इधर इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक अलग रूप देखने को मिला। दरअसल रेसिडेंसी कोठी पर दिग्विजय सिंह जैसे ही मीडिया से बात करने के लिए हॉल में कुर्सी पर बैठे, वहां पहले से खड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता हॉल से बाहर हो जाएं, जो यहां रुकेगा उनसे मैं नहीं मिलने वाला। कुछ कार्यकर्ता बाहर हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया कुछ कार्यकर्ता पीछे खड़े हुए नजर आए, और बस फिर आ गया दिग्विजय सिंह का गुस्सा। उठकर वो कार्यकर्ताओं पर बरस पड़े, खुद धक्का देकर कार्यकर्ताओं को हॉल से बाहर निकाला, गेट बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस में यदि डिसिप्लिन आ जाए तो वो कभी चुनाव नहीं हार सकती। बीजेपी ने ले ली चुटकी। नरेंद्र सलूजा, पुराने कांग्रेसी और नए भाजपाई, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और दिग्विजय सिंह की मोहब्बत की दुकान इंदौर में देखने को मिल गई। कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए ना तो कभी चुनाव नहीं हार सकती। अभी तुम रुक तो जाओ। देखिए, कहने को तो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि वो प्रदेश की 66 हारी हुई सीटों पर जा रहे हैं, उस क्षेत्र में कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनके विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। आज इंदौर के अंदर कार्यकर्ताओं को देखकर पत्रकार वार्ता वाले हॉल में भड़क उठे, आपा खो बैठे और एक तरह से मारने के लिए दौड़ पड़े और उनको कमरे से बाहर करा, दरवाजे की कुंडी लगा दी। यह इनकी मोहब्बत की दुकान है, जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करती थी करते हैं, वो मोहब्बत की दुकान हम दिग्विजय सिंह जी की देख रहे हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण के पास हम आपको लिए चलेंगे, किस तरीके का पूरा घटनाक्रम था, अपने कार्यकर्ताओं पर दिग्विजय भड़क गए और इसी को लेकर ये तमाम बातें, क्योंकि मोहब्बत की दुकान बहुत चर्चा में है आजकल, यहां से लेकर कहां कहां तक चर्चा में है, यही वजह है कि इस मोहब्बत की दुकान पर बीजेपी हमलावर है। तो सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरुण के पास हम आपको लिए चलेंगे और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी उनसे चर्चा करेंगे। अरुण आपको नजर आ रहे होंगे। अरुण, ये घटनाक्रम भी बताएं और एक और महत्वपूर्ण बात जो दिग्विजय कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए, यही अगर और मगर है कि सालों पुरानी पार्टी लगभग अतीत की कगार पर है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस विधानसभा का चुनाव जो मध्य प्रदेश में इस साल होने वाला है उसको पूरी एकजुटता के साथ लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं, जो असंतुष्ट कार्यकर्ता हैं, उनको मनाने का काम किया जा रहा है। इन रूठे हुए असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर मनाने की जो जिम्मेदारी है वो दिग्विजय सिंह को दी गई है। लेकिन दिग्विजय सिंह भड़क जा रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही बुरहानपुर में वो अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष पर भड़क गए थे और उन्होंने से कहा था कि आप यहाँ से चले जाइए। उसके बाद खंडवा में उन्होंने कह दिया था कि भाड़ में जाए कांग्रेस, आपको जो बोलना है बोलिए। और आज इंदौर का भी यही घटनाक्रम हुआ कि जब दिग्विजय सिंह मीडिया से बात करने के पहले तो मीडिया पे ही भड़क गए, जब उन्होंने देखा कि मीडिया के लोग उनकी बाइट लेने के लिए पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा कि आज मैं मीडिया से कोई बात नहीं करूंगा, और ये कहते हुए वहां से निकल गए। लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में वो आए और उन्होंने जैसे ही वो कुर्सी पर बैठे मीडिया से बात करने के लिए, उन्होंने चुटकी बजाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग बाहर हो जाइए। उन्होंने जो जिलाध्यक्ष हैं सदाशिव यादव और यहाँ के प्रभारी महेंद्र जोशी, उन दोनों से कहा कि आप लोग इन कार्यकर्ताओं को बाहर करिए हॉल से, और कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया कि आप लोग बाहर चले जाइए, मैं उन्हीं लोगों से मिलूंगा जो लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे, जो यहाँ बैठे रहेंगे उनसे आज मैं नहीं मिलूंगा। लेकिन कुछ कार्यकर्ता तो उनकी बात मान गए और बाहर हो गए, लेकिन फिर भी कुछ कार्यकर्ता उनके पीछे खड़े रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, उनकी नज़र पीछे कार्यकर्ताओं पर गई तो फिर वो अपना आपा खो बैठे और उन कार्यकर्ताओं को उन्होंने हॉल से बाहर किया, उनको धक्का दिया और बाहर कर दिया और गेट बंद करा दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। हाँ, तो जो दिग्विजय सिंह का जो गुस्सा था वो सातवें आसमान पर पहुंच गया था और वो कार्यकर्ताओं पर से अपना आपा वो खो बैठे और काफी नाराज भी वो हुए, और उन्होंने एक बात और जरूर कही कि जी।